तो पादप ऊतक संवर्धन के बारे में बात कर रहे थे कल, है ना। अब इसमें क्या है, देखो पुरानी विधियां तो क्या है कि संक्रमण वगैरह हो जा क्या हो जाता था, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण हो जाता था, है ना। अब संकरण के से आगे की कहानी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको पूरा पूरा समझना है कि कर्तोतक क्या, कैसे, कर्तोतक किसे कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जो भी पौधा है उस पौधे को क्या बोलेंगे, मदर प्लांट। उस पौधे का जो भी भाग आप पादप संवर्धन के लिए लेंगे उसे क्या बोलेंगे, कर्तोतक, ठीक है। कर्तोतक को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। आगे जब संवर्धित कर दिया जाता है और वो दो चार कुछ कोशिकीय अवस्था आ जाती है तो फिर उसे क्या कहते हैं, कैलस, ठीक है ना। तो कैलस के अंदर और कर्तोतक के अंदर अंतर है, ठीक है, समझ लेना आप लोग अच्छे से। सीएच, सॉरी, कैलस यानी कि संवर्धन। अच्छा ये तो पता है ना, पढ़ क्या रहे हो, फर्स्ट पेपर, ठीक है। कई बार ये नहीं पता होता पढ़ क्या रहे हैं, फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में आप लोग पढ़ रहे हो यूनिट थर्ड, और थर्ड यूनिट और थर्ड और फोर्थ दोनों में क्या है, बायोटेक है यानी जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है भाई। दो यूनिट जो थी वो कंप्लीट हो गई है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम, एक्सप्लांट कहाँ से कैसे लिया जा सकता है। पौधे का वह भाग जिसका उपयोग ऊतक संवर्धन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कर्तोतक, ठीक। मैरी क्रिसमस, सेम टू यू। तो एक्सप्लांट, ठीक है, एक्सप्लांट क्या करेगा, संवर्धित होने के बाद कैलस बनाएगा, ठीक है। अब कैलस के बाद आगे बात करते हैं कि कैलस कहाँ कहाँ से लिया जाता है ना, सॉरी एक्सप्लांट। या निम्न भागों से प्राप्त किया जाता है सीधे, सकता है क्या है, सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट कौन सा पार्ट है प्लांट का, विद्युत, क्योंकि वो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से निर्जर अवस्था होती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा विद्युत क्या होता है, शीर्षस्थ विद्युत है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये तो खुद अपनी सुरक्षा खुद ही करेगा ना, क्योंकि कोई जीवाणु आ गया तो इसकी वृद्धि रुक जाएगी, तो पौधा खुद ही उसको निर्जर अवस्था बना के रखता है। जैसे हमारी बॉडी में से कई बार स्किन से ऑयल रिलीज होता है, क्यों, जिससे कोई भी जीवाणु वगैरह शरीर की जो त्वचा में छिद्र है उनके जरिए अंदर ना पहुंच जाए, ठीक है। ज्यादा खुरदरापन होगा तो ज्यादा रोग हो जाएंगे, स्किन फट जाएगी तो अंदर से ब्लड भी कई बार बाहर आ सकता है, ठीक। तो इस कंडीशन के लिए सेम ऐसे ही तो हमारा शरीर खुद अपनी सुरक्षा करता है, ठीक है ना। अब जुकाम हो जाती है तो जुकाम में क्या करते हैं, नाक बहने लग जाती है, क्यों बह रही है, मतलब नाक के अंदर से द्रव बह रहा है, नाक नहीं बह के कहीं जा रही है, वो तो मुंह पर ही चिपकी है। नाक में से श्लेष्मा बहती है, क्यों, क्योंकि जो जीवाणु वगैरह हैं वो अगर अंदर चले गए श्वास नली में तो फिर वो रोग उत्पन्न कर देंगे, कोशिका विभाजन वगैरह कर देंगे तो व्यक्ति मर सकता है। तो इसलिए वो श्लेष्मा क्या करती है, वो हरा हरा चिपचिपा जो पदार्थ है वो उन जीवाणु विषाणुओं को अपने साथ चिपका लेती है, वहीं रुक जाएंगे वो। फिर जब ज्यादा जुकाम हुई, जैसे आपने सिनक के उसको फेंक दिया तो क्या होगा, वो चिपक करके उसमें से सब जीवाणु विषाणु वगैरह चले जाएंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी रसायन स्रावित होते हैं कि कोई जीवाणु विषाणु हो तो वो यही मर जाए, ठीक है। नहीं तो ये पौधे में आगे वृद्धि कर गया तो फिर पौधा वृद्धि नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक क्रिया है। तो सबसे पहले कहां से लेंगे, शीर्षस्थ विभिन्न,
इसके अलावा कलिकाएं, मूल, पर्व संधि के टुकड़े, है ना। पर्व संधि क्या होती है? गन्ना जो होता है, गन्ने में गांठ होती है, उस गांठ में होता है। तो पर्व संधि के टुकड़े, ठीक है। जैसे कभी गन्ना देखा होगा ना आप लोगों ने, तो गन्ने में क्या होता है, यहाँ पे गांठ जैसी होती है। तो इसके अंदर पार्श्व विविध्योतक के साथ साथ इसमें अंतर्वेशी विविध्योतक पाया जाता है। यानी कि देखो, गन्ने में तो शाखन होता नहीं है, गन्ने के तने में तो, लेकिन बाकी जो पौधे उनमें तो होता है ना। आपने कभी देखना, कभी एक छोटा सा पत्ती भी उगरी होगी ना, तो उसका ये हिस्सा मोटा होगा थोड़ा यहाँ से, फिर ये ऐसे पतला होता चला जाता है, फिर इसमें यहाँ से पत्ती आएगी। तो तने का ये हिस्सा जो फूला हुआ है, जहां से शाखन की या नई पत्ती वगैरह का निर्माण करने की क्षमता है, उसे क्या कहते हैं, पर्व संधि। और दो पर्व संधियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे, पर्व। ठीक है, बना रहे इसको। अच्छा, तो पर्व संधि के टुकड़े हो गए, और इसके अलावा क्या होगा, कलिकाएं। ठीक, जितनी भी बड निकलेंगी, जैसे मान लो किसी पौधे में इस तरीके से एक छोटी सी कलिका निकली, है ना, फिर वो आगे जाके शाखा बनेगी, तो ये जो छोटी सी कलिका है इसको भी ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जिसमें वृद्धि करने की क्षमता है वही हिस्सा तो लिया जाएगा। आप बताओ, मनुष्य का भी कौन सा हिस्सा लिया जाता है? अगर जंतु ऊतक संवर्धन करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका एक क्लोन बन जाए, तो क्या किया जा सकता है, मनुष्य का भी क्लोन बन सकता है, लेकिन कुछ इश्यू है, सोशल इशू और फ्यूचर को लेकर के थोड़ा आशंकाएं होती है, इसलिए नहीं मिली अप्रूवल। सुना होगा ना कभी, ऐश्वर्या राय ऐड करती थी पहले एक, अपने बच्चे को दीजिए स्टेम सेल का आशीर्वाद, नहीं सुना? स्टेम सेल होती है, ये आगे भी पढ़ोगे इसमें भी होती है, जैसे टोटिपोटेंट सेल होती है, एक कोशिका के अंदर संपूर्ण पादप को बनाने की क्षमता होती है, तो उस कोशिका को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट सेल। तो इसके अंदर क्षमताएं होती है, तभी तो ये बोली जाएंगी। इसी तरीके से मनुष्य के अंदर, जब मनुष्य पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके नाभि से माता के शरीर के बीच में एक नली होती है, क्या बोलते हैं उसे, अपरा प्लिसेंटा, वो काट दी जाती है, और जो हिस्सा नाभि से जुड़ा हुआ रह जाता है, प्लिसेंटा का छोटा सा पार्ट, नाल बोलते हैं उसे नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना, नाल बच्चे का नार बोलते हैं नॉर्मली देहाती शब्द में, तो वो जो नाल है उसको सेफ रख दिया जाता है। मुंबई में ऐसी स्टेम सेल प्रिजर्वेशन बैंक है, ठीक है, मान लो किसी ने वो स्टेम सेल लिया और वहाँ पे सेव करवा दिया, उसका हालांकि खर्चा वगैरह होता है, चार्जेस लगते हैं, भविष्य में उस व्यक्ति को कभी भी कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए या कोई उसी किडनी वगैरह फेल हो जाए, वहाँ फोन कीजिए, वो संवर्धन माध्यम में आपका हाथ पैर किडनी लंग हार्ट जो हिस्सा चाहिए शरीर का, साइंटिस्ट बना करके आपको दे देंगे, ऐसा है, ठीक है। इसीलिए वो ऐड आता था स्टेम सेल, क्योंकि उस टाइम पे उस बैंक का काफी प्रचार प्रसार करना था सरकार को, तो फिर उससे फायदा क्या होगा, किसी को बांधना नहीं पड़ेगा ना, मान लो किसी की किडनी फेल हो गई, तो जनरली डोनर वगैरह ढूंढा जाता है, तो जरूरत क्या है, अपने ही शरीर का तो हिस्सा है वो, तो किडनी बनवा ली, लगवा ली, टेंशन फ्री। हमारा शरीर हमारे हिस्से को थोड़ी ना रिजेक्ट करेगा, कई बार दूसरे की किडनी लेकर के लगवा देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे टिश्यू से रिजेक्ट कर देता है, तो वो स्टेम सेल वगैरह, वो भी क्या है, एक टोटिपोटेंट सेल। आई बात समझ, इस तरीके से पूरा क्लोन बनाया जा सकता है। अभी तक ऑर्गन पर तो कामयाबी मिली है, लेकिन ऐसे भी भविष्य में संभावना है कि पूरा का पूरा दूसरा जीव बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनाया जाएगा, क्यों, उसके लिए कुछ पॉलिटिकल इश्यू भी, सोशल इश्यू भी होते हैं, है ना, फिर क्या होगा, कुछ बच्चे खुद घर पर बैठ रहे हैं और एग्जाम देने क्लोन को भेज रहे हैं, है ना, या कोई भी, ये तो खैर छोटी सी बात है,
कोई भी गतिविधि हो सकती है, कोई आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है ना, क्लोन बनवाया उसको भेज दिया जेल और खुद फिर से काम कर रहा है उठा के घर, तो गलत बात है ना, कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए उसको पूरा परमिशन नहीं मिलती। लेकिन किडनी वगैरह बनाई जा सकती है। दूसरी चीज, कुछ निसंतान दंपतियों ने भी इसके लिए कहा था कि भाई बच्चे नहीं है तो उस क्लोन से बनाया जा सकता है दूसरा ही डुप्लीकेट, एकदम बिल्कुल 100% वैसा ही बच्चा बनेगा उसमें। बेटा चाहिए बेटी, बेटी चाहिए बेटी, बेटा चाहिए बेटा, ठीक, लेकिन उससे फिर प्रॉब्लम बहुत सारी है, उसमें इश्यू बहुत सारे हैं, है ना। दूसरी चीज, कई बार ये भी डर रहता है बना दिया पूरा मनुष्य और फिर वो बन गया रोबोट जैसी फिल्म रिलीज करने के लिए, तो क्या होगा, कौन कंट्रोल करेगा, है ना। असल लाइफ में रजनीकांत हर बार कंट्रोल कर ले जरूरी नहीं है, ठीक। तो आगे, तो कलिकाएं चाहिए तो उससे क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। इस तरीके से एक ही कोशिका से पूरा सजीव बनाया जा सकता है, वही सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा जाता है। दूसरा क्या, मूल। मूल मतलब क्या होता है, जड़। जड़ के अलावा और क्या लिया जा सकता है, स्तंभ के सिरे यानी कि तने के सिरे, तने के सिरे, और इसके अलावा पराग कोश, पराग कण, पत्तियां, अंकुरित बीज, भ्रूण और बीज पत्र, इनमें से भी कोई हिस्सा लेकर के आगे पूरी जीव को बनाया जा, मतलब पूरा का पूरा पौधा बनाया जा सकता है। पत्तियां, पत्तियां क्या मतलब, पत्ती का कोई हिस्सा, उसकी कुछ कोशिकाएं ली जाएंगी, है ना, पूरी पत्ती को संवर्धित करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद अंकुरित बीज, पराग कण, पराग कोश, भ्रूण और बीज पत्र, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके के कुछ पौधे के कुछ भाग हैं जिनको कर्तोतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैलस, जब वो ऊतक संवर्धन माध्यम पर उपजाया जाता है उससे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलस को भी, सॉरी, जो कर्तोतक है यानी एक्सप्लांट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, निर्जलीकृत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और निर्जर्मीकृत की स्थिति के लिए क्या करना चाहिए, प्रयोगशाला के अंदर पहले सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, वो वेसल्स जो भी चीज़ें यूज़ करनी है जैसे ग्लास वगैरह, परख नली वगैरह, टेस्ट ट्यूब, जो भी यूज़ करने हैं उनको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिटर्जेंट से धोते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर उसके बाद उसको 102 डिग्री सेल्सियस पर ऑटोक्लेव में गर्म करते हैं, और ऑटोक्लेव नहीं है तो कुकर में डाल देते हैं, ठीक। फिर वो कांच के बर्तन जब निर्जलीकृत हो जाएं, तो उसके बाद क्या करना है आपको, जो कर्तोतक है उसको भी साफ करना है। संवर्धन माध्यम को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, पोषक पदार्थ डालते हैं। कौन कौन से पोषक पदार्थ होंगे, वो कैसीन, हाइड्रोलाइसेट, ठीक है, इसके अलावा उसकी पीएच 5.8 रखी जाती है। इस तरीके से जो पूरा सिस्टम है वो मैं पूरा आपको बना के बताऊंगी, ठीक है ना। मुरासिगे और स्कूग का जो था, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस तरीके से संवर्धन माध्यम कैसे बनेगा, ठीक है ना। संवर्धन माध्यम में क्या क्या चीज होगी, कैसे, वो पूरा बता दो, मिटा दो उसको। संवर्धन माध्यम 2-3 तरीके के होते हैं, ठीक है ना। और अच्छा, ये भी देखना होता है कि हमें बनाना क्या है, पूरा पौधा बनाना है या पौधे से कोई या किसी जीन का कोई प्रोटीन बनाना है या फिर हमें कोई पौधे का विशेष भाग बनाना है,
ठीक है, तो जो जो चीज बनानी है, ऊतकों को संवर्धित किया जाए तो ऊतक संवर्धन, अंग पूरे बनाए जा रहे हैं पौधे के, केवल जड़ ही जड़ चाहिए, जैसे गाजर है। गाजर में क्या खाओगे आप बताओ, उसका जड़, हलवा नहीं, जड़, ठीक है ना। अब जड़ खाओ तो जड़ खाओगे तो जड़ ही जड़ तो बनाना है आपको, तो क्या डालोगे उसमें? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डालोगे ना, क्योंकि उल्टा होता है, ठीक है, अब समझ आई। क्योंकि ऑक्सीजन वैसे तो तना बनाता है, लेकिन आपको माध्यम में बनाना है तो आप उसमें जड़ बनाने के लिए ऑक्सीजन डालोगे। अगर वैसे प्राकृतिक माध्यम में साइटोकाइनिन जड़ बनाता है, लेकिन आपको यहाँ बनवानी है तो साइटोकाइनिन तना बना देगा, है ना। ये बात, तो जीव द्रव्य का ही संवर्धन करना होता है तो उसे जीव द्रव्य संवर्धन कहते हैं। विविध्योतक का करना है मतलब कौन सा हिस्से का आपको संवर्धन करवाना है। माध्यम पर आपने जो हिस्सा उगाया उससे भले पूरा पौधा उगाओ आप, जैसे परागकण किया तो उसे क्या बोलेंगे? पराग संवर्धन। अगली बात समझ में। तो ऊतक संवर्धन तकनीक की बात करें तो अब इसके अंदर सबसे पहले माध्यम पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? देखो भाई, पहले एक बार ये देख लेती कि हमें चाहिए क्या क्या। तो ऊतक संवर्धन के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो कांच के पात्र चाहिए, और एंटीसेप्टिक बनाने के लिए ऑटोक्लेव चाहिए। कांच के पात्र चाहिए और ऑटोक्लेव चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जो भी मतलब संवर्धन माध्यम के लिए जरूरी हैं, ठीक है ना, वो केमिकल्स चाहिए। विद्युत तराजू चाहिए, क्यों? तोल के ही तो डालोगे कि कितना सोडियम डालना है उस माध्यम में, कितना पोटेशियम डालना है। ऐसे थोड़ी है कि अपनी मर्जी से डाल दिया, है ना। कचौड़ी में सब्जी थोड़ी डाल रहे हैं, संवर्धन माध्यम डाल रहे थे। संवर्धन माध्यम के लिए क्या क्या चाहिए? रासायनिक पदार्थ। अब इसमें ना सब चीज आ गई, जो भी केमिकल्स चाहिए, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, है ना, वो सब कुछ। और इसके अलावा विद्युत तराजू। विद्युत तराजू में कैसा, देखो भाई, मिलीग्राम को नाप ले, जो एक छोटी सी चम्मच होती है स्पैचुला वगैरह, वो 1 ml के बराबर नापती है, चाहे वो है ना छोटी सी होती है बिल्कुल, तो उससे 1 ग्राम 10 ग्राम इस तरीके से डाला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप बड़े तराजू में तोलने बैठे तो वो तो बांट ही नहीं होते ग्राम में, छोटे छोटे 50 ग्राम से कम का तो बांट ही नहीं, तो वो स्पैचुला से इलेक्ट्रिक में नापा जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या चाहिए? आसुत जल, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आसुत जल, उसके बाद ऊष्मायन की विधि चाहिए, उसके लिए इंक्यूबेशन के लिए लैमिनर फ्लो वगैरह भी चाहिए होता है। निर्जमीकृत वातावरण के लिए क्या करना चाहिए? कल्चर चैम्बर या लैमिनर फ्लो। किसको? संवर्धन माध्यम को। संवर्धन माध्यम जो होता है उसको या पूरे वातावरण को, पूरे कमरे को भी, है ना, ऐसे लिखो, समुचित वातावरण।
आप लोग रिजाइन करते हैं।